है. सो इन द लास्ट क्लास वी वर डिस्कसिंग अबाउट योर फाजमिट. ठीक है, फाजमिट के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि इसके अंदर दे आर वेरी सिमिलर टू M13. ठीक है, फाजमिट के अंदर हमने बेसिकली देखा था आपका कि बेसिकली इसका मेन मोटिव यही होता है कि अगर आपको सिंगल स्टैंड कॉपीज बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या यूज करते हैं आपका फाजमिट. ठीक है, सो जैसे अगर हम दे आर वेरी सिमिलर टू M13 एंड रेप्लीकेट इन ए सिमिलर फैशन. ठीक है, तो इसमें हमने देखा था वन ऑफ द फाजमिट वैक्टर दैट इज PEMBL. ठीक है, दैट वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय इंसर्टिंग ए फ्रैगमेंट ऑफ अनदर फाज टर्म F1 कंटेनिंग ए फाज ऑरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन. ठीक है, एंड एलिमेंट्स फॉर इट्स मॉर्फोजेनेसिस इनटू PUC8 प्लास्मिड. ठीक है, तो इसमें हमने देखा था कि जब भी आपको सिंगल स्टैंड कॉपीज बनानी है DNA की, तो उसके लिए आपको एक हेल्पर फाज चाहिए होता है. ठीक है, फॉलोइंग सुपर इन्फेक्शन विद हेल्पर फाज द F1 ऑरिजिन इज एक्टिवेटेड अलोइंग सिंगल स्टैंडेड DNA टू बी प्रोड्यूस्ड. ठीक है, सो दिस इज द मेन थिंग. अगर आप बेसिकली नहीं यूज करें हेल्पर फाज, ठीक है ना, विदाउट सुपर इन्फेक्शन. सुपर इन्फेक्शन के बिना का मतलब क्या है कि अगर आप हेल्पर फाज नहीं यूज कर रहे, तो जो आपकी जो रेप्लिकेटिव फॉर्म है DNA प्लाज्मिड की, वो कैसी रहती है आपकी, डबल स्टैंडर्ड. ठीक है, सो इसका जैसे मेनली मैंने आपको बताया था कि अगर आपको सिंगल स्टैंड कॉपीज बनवानी है, तो उसके लिए हम प्लाज्मिड यूज करते हैं. ठीक है, और उसको फिर आप डायरेक्टली सीक्वेंस कर सकते हो. ठीक है, सो दिस इज द मेन पॉइंट अबाउट फाजमिड. इफ यू वॉन्ट सिंगल स्टैंडर्ड कॉपीज ऑफ सम डबल स्टैंडर्ड DNA, सो उस केस में हम फाजमिड यूज करते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट यहाँ पर हम बात करेंगे आपके कॉस्मिड की. ठीक है, कॉस्मिड वेक्टर. ठीक है, तो बेसिकली कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो हम वेक्टर्स जो है डिजाइन कर रहे हैं, इसके पीछे मोटिव हमारा यही होता है कि हम इंसर्ट साइज को इंक्रीज कर सकें. ठीक है, हम इंसर्ट साइज को इंक्रीज कर सकें. ठीक है, सो अब जो कॉस्मिड है, ठीक है ना, ये नाम कहाँ से आया है? इसके अंदर एक तो बेसिकली लैम्डा फाज की कोसाइट्स हैं प्लस प्लाज्मिड. ठीक है, कोसाइट्स ऑफ, कोसाइट्स हमने पढ़ी थी, कोसाइट्स किस में हेल्प करती हैं, सर्कुलराइजेशन में. ठीक है, कोसाइट्स ऑफ लैम्डा फाज प्लस योर, कोसाइट्स ऑफ लैम्डा फाज प्लस प्लाज्मिड. ठीक है, इस वेक्टर की खास बात क्या, मान लो अगर आपके पास कॉस्मिड फैक्टर, कॉस्मिड जो वेक्टर है वो 5 KB का भी है. ठीक है, सो 5 KB के कॉस्मिड वेक्टर में आप 32 to 47 KB ऑफ फॉरेन DNA डाल सकते हो, और फॉरेन DNA को आप इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, तो बेसिकली दिस इज शोइंग कि जो कॉस्मिड वेक्टर है उसका इंसर्ट साइज ज्यादा है. ठीक है, इवन यू हैव ए 5 किलो बेस कॉस्मिड वेक्टर, यू कैन इंसर्ट DNA ऑफ साइज 32 to 47 KB. ठीक है, सो द वे इन विच द लैम्डा फाज लैम्डा DNA इज रेप्लिकेटेड इज ऑफ पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ लार्जर इंसर्ट क्लोनिंग वैक्टर्स टर्म्ड कॉस्मिड्स. ठीक है, ये आप देख सकते हो, जैसे इसमें ये आपका एंटीबायोटिक जीन, ये आपकी कोसाइट्स हैं, इसमें रिस्ट्रिक्शन साइट है. ठीक है, सो सिंपली प्लाज्मिड ही है, बट प्लाज्मिड में आपने कोसाइट्स ऐड की हुई है. ठीक है, पैकिंग इन विट्रो ओनली इफ कोस कोस डिस्टेंस इज इन रेंज ऑफ 37 to 52 KB. ठीक है, सो यू कैन, मतलब जैसे मैंने आपको बताया 32 to 47 या जैसे 37 to 52, सो दिस इज अ साइज ऑफ DNA दैट यू कैन इंसर्ट. ठीक है, क्योंकि दो कोसाइट्स के बीच में, क्योंकि कोसाइट्स होती है ना बिल्कुल, जैसे ये DNA है, यहाँ पर कोसाइट है, यहाँ पर कोसाइट है, तो दोनों के बीच में अगर आप 37 to 52 KB DNA इंसर्ट करोगे तभी वो सर्कुलराइज हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ कॉस्मिड वेक्टर्स आर डिजाइंड. ठीक है, सो दे आर स्पेशली यूजफुल फॉर एनालिसिस ऑफ हाईली कॉम्प्लेक्स जीनोम्स एंड आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वेरियस बेसिकली जीनोम मैपिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, द अपर लिमिट लिमिट कैपेसिटी ऑफ फाज लैम्डा. ठीक है, जैसे हमने फाज लैम्डा के बारे में डिस्कस किया था, उसकी जो अपर कैपेसिटी है वो 21 KB. ठीक है, उसमें क्योंकि दिस इज अ रिक्वायरमेंट फॉर असेंशियल जीन्स एंड द फैक्ट दैट मैक्सिमम लेंथ बिटवीन द कोसाइट्स इज 52 KB. ठीक है, सो कॉन्सिक्वेंटली कॉस्मिड वैक्टर्स, ठीक है, हैव बीन कंस्ट्रक्टेड
that incorporate the co-sites from phage lambda and R and also the essential feature of plasmid. ठीक है, कोस के अंदर जो कॉस्मिड है उसमें co-sites तो किसकी है, लैम्डा बैक्टीरियोफाज की, ठीक है, और बाकी जो भी essential feature है चाहे antibiotic resistance gene है वो आपकी plasmid की है. ठीक है, so such as plasmid origin of replication. ठीक है ना, तो बाकी जो सारे फीचर्स हैं वो प्लाज्मिड से आ रहे हैं, चाहे वो ऑरिजिन ऑफ एप्लीकेशन है, चाहे जीन फॉर ड्रग रेजिस्टेंस है, रिस्ट्रिक्शन साइट्स हैं. ठीक है, सो व्हेन ए कॉस्मिड प्रिपरेशन इज लिनियलाइज्ड बाय रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन एंड लिगेटेड टू डीएनए फॉर क्लोनिंग द प्रोडक्ट्स विल इंक्लूड कॉनकैटामियर्स ऑफ अल्टरनेटिंग कॉस्मिड वेक्टर एंड इंसर्ट. ठीक है, दस द ओनली रिक्वायरमेंट फॉर द लेंथ ऑफ डीएनए टू बी पैकेज्ड इनटू वायरल हेड is that it should contain co-sites spaced the correct distance apart. ठीक है, क्योंकि अगर जो co-sites हैं, ठीक है ना, वो correct distance में होनी चाहिए, तभी आपका जो ये जो हमने cosmid बनाया है, तभी ये viral जो head में basically आपका package होगा. ठीक है, so in practice this spacing we can range between 37 to 52 kb. so such DNA can be packaged in vitro if phage head precursors tails and packaging proteins are provided. ठीक है, क्योंकि बाकी जीन्स भी आपको देने पड़ेंगे जो फाज का हेड बना रहा है, टेल बना रहा है, या जो भी उसकी पैकेजिंग में जो हेल्प करते हैं. ठीक है, सिंस द कॉस्मिड इज वेरी स्मॉल, जैसे मैंने अभी आपको बताया इट इज लाइक 5 kb. ठीक है, बट इंसर्ट्स ऑफ अबाउट 40 kb इन लेंथ विल बी मोस्ट रेडली पैकेज्ड. ठीक है, वंस इनसाइड द सेल, वैसे तो हमें पता ही है कि जैसे बैक्टीरियोफाज लैम्डा का डीएनए भी लीनियर होता है, ये भी पहले जैसे लीनियर है, बट वंस ये आपका होस्ट सेल में जाता है तो वहां जाके क्या हो जाता है, ये सर्कुलराइज और बिल्कुल वैसे ही बिहेव करता है जैसे आपका प्लाज्मिड बिहेव करता है. सो नेक्स्ट इसमें हमारे पास है आपका, ठीक है, तो अभी तक हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फैक्टर्स पढ़े, चाहे वो आपका PBR322 था, चाहे हमने M13 की बात करी, बैक्टीरियोफाज लैम्डा की बात करी आपकी, बिसाइड दैट हमने आपका फाजमिड के बारे में पढ़ा और कॉस्मिड के बारे में. ठीक है, बट जैसे हमने बात करी थी बैक और याक की, ठीक है ना, कि बैक और याक, ठीक है, और भी होते हैं ऐसे, जैसे बैक का मैंने जो आपको इंसर्ट साइज बताया था दैट वाज 50 to 300 बैक, तो ऑब्वियसली अगर हमारा टारगेट है कि इससे भी बड़े आपके इंसर्ट साइज है 50 to 300, और एक हमने पढ़ा था याक के लिए मैंने आपको बताया था 100 to 2000. ठीक है, सो the advantage of vectors that accept larger fragments of DNA than phage lambda or cosmid is that fewer clones needed to be screened. ठीक है, अब इसका क्या मतलब है, fewer clones. ठीक है, देखो अगर आपके पास fragments basically छोटे छोटे हैं, जैसे मान लो हमने कह दिया कि मतलब एक particular जैसे 40 हैं, ठीक है, तो आपके पास fragments ज्यादा होंगे तो आपको clone भी ज्यादा बनाने पड़ेंगे. ठीक है, बट अगर आपके पास fragment का साइज है लाइक 200, ठीक है, तो मतलब जो 40 मिलके, मतलब जैसे 40 अगर 5 करते हैं, 14 टू 5 कितना होता है 200. ठीक है, तो अगर आप 40 का साइज कर रहे हो तो आपको 5 क्लोन बनाने पड़ेंगे, मतलब 5 वेक्टर्स में इन डीएनए को रखना पड़ेगा. लेकिन अगर आपका इंसर्ट साइज 200 है तो आप उसको एक में ही रख सकते हो. ठीक है, तो इसलिए बेसिकली हमें ये ध्यान रखना होता है कि द एडवांटेज ऑफ वैक्टर्स जो लार्ज फ्रेगमेंट्स को एक्सेप्ट करते हैं, तो उससे हमें क्या बेनिफिट होता है कि आपको क्लोन्स कम बनाने पड़ते हैं. मतलब क्लोन्स का मतलब यही है कि वेक्टर मतलब आपके कम होंगे जिनके अंदर आपको साइज ऑफ डीएनए ऐड करना है. ठीक है, सो दे हैव आल्सो हैड एन एनॉर्मस इंपैक्ट इन द मैपिंग ऑफ जीनोम ऑफ ऑर्गेनिज्म सच एज माउस एंड आर एक्सटेंसिवली इन द ह्यूमन जीनोम. ठीक है, क्योंकि किसी ऑर्गेनिज्म का डीएनए अगर उसका साइज ज्यादा है, ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर आप छोटे छोटे फ्रेगमेंट बनाओगे तो आपको हर एक फ्रेगमेंट को अलग अलग से सीक्वेंस करना पड़ेगा. ठीक है, तो जब भी हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं, सो हमारा मोटिव यही रहता है कि हम वो वेक्टर्स यूज करेंगे जो लार्ज फ्रेगमेंट साइज को एकोमोडेट करा सकते हैं. जैसे इसमें इसने बैक का एग्जांपल दिया है, मेमेलियन आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ऑन द वायरस P1PAC दैट इज P1 आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, हाउएवर परहैप्स द मोस्ट सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट आर वैक्टर्स बेस्ड ऑन द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, बेस्ड ऑन द ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम. ठीक है, तो देखते हैं इसमें जैसे हम कि ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम वेक्टर्स. ठीक है, सो बेसिकली
ये होता है कैसा, ये लीनियर होता है। जनरली जितने भी वेक्टर्स हमने पढ़े वो कैसे होते हैं आपके सर्कुलर, बट ये कैसा है आपका लीनियर। इसमें जैसे अब जैसे अगर हम यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स की बात करते हैं तो उसके अंदर जैसे आपका सेंट्रोमियर होता है, ठीक है, इसमें सेंट्रोमियर है, टीलोमियर है, एंड रेप्लिकेशन ओरिजिन टर्म्ड एज एआरएस एलिमेंट दैट इज ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो इसमें क्या क्या प्रेजेंट है आपका, एक सेंट्रोमियर, ठीक है, जैसे यूकैरियोटिक क्रोमोसोम्स में होता है वी हैव टीलोमियर, ठीक है, रेप्लिकेशन ओरिजिन जिसे हम क्या बोलते हैं ऑटोनोमस रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, द वाई ए सी इज डाइजेस्टेड विद रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एट द एस यू पी फोर साइट विच इज ए सप्रेसर टी आर एन ए जीन मार्कर। ठीक है, तो ये आपने इसका नाम याद रखना है, एस यू पी फोर, मतलब आप यैक को कहां पर डाइजेस्ट कराते हो, एस यू पी फोर, ठीक है, विच इज ए सप्रेसर टी आर एन ए जीन मार्कर। ठीक है, तो ये जैसे अगर हम इसको देखें डायग्राम के अंदर, सो दिस इज द वेक्टर, जैसे आप ये देख सकते हो यहाँ पर कि जैसे ये यहाँ पर एस यू पी फोर, ठीक है, कि यहाँ पर हम कट कराते हैं और ये रेस्ट्रिक्शन साइट है जिसका क्या नाम है एस एम ए वन। ठीक है, एस एम ए वन, ये बता रहे जैसे ओरिजन है, सेंट्रोमियर है, ठीक है, ये टीलोमियर्स हैं, तो अलग अलग टाइप की यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन साइट है। ठीक है, बेसिकली वैसे अगर हम बात करें तो जनरली टू सिलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि कौन से दो सेलेक्टेबल मार्कर्स होते हैं आपके इन केस ऑफ दिस, टू सेलेक्टेबल मार्कर्स, वन वी हैव दैट इज यू आर ए थ्री, ठीक है, यू आर ए थ्री जो आप यहां पर देख सकते हो, यू आर ए थ्री, जो यू आर ए थ्री है ये पर्टिकुलर एक एंजाइम बनाता है दैट इज ओरिटिडीन 5 प्राइम फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज, फॉस्फेट डी कार्बोक्सिलेज, दिस इज ए पर्टिकुलर एंजाइम जो यू आर ए थ्री बनाता है। और ये एंजाइम हमें कहां पर चाहिए होता है, बेसिकली इन सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स, सिंथेसिस ऑफ पिरिमिडिन न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है, ऐसे ही एक होता है टीआरपी वन, इट कोड्स फॉर फॉस्फो राइबोसाइल एंथ्रानिलेट, ठीक है, आइसोमेरेज, दिस इज वन ऑफ द एंजाइम विच इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस। ठीक है, तो चलो एंजाइम के नाम तो चलो इतने नहीं आपसे एग्जाम में पूछते, जनरली ये पूछा जाता है कि सेलेक्टेबल मार्कर्स, जैसे हम प्लाज्मिड्स में बात करते हैं कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन है, या जैसे हमने लैग जेड प्राइम की बात करी थी, सो यू आर ए थ्री एंड टी आर पी वन, ये बेसिकली आपके क्या है सेलेक्टेबल मार्कर्स इन केस ऑफ यूर ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही आपके क्या है सिलेक्टेबल मार्कर्स। ठीक है, सो ये जैसे हमने यहां पर बात करी कि हम डीएनए कहां पर इंसर्ट करते हैं, जहां पर एस यू पी फोर है विच इज ए काइंड ऑफ सप्रेसर टीआरएनए मार्कर जीन। ठीक है, एंड बैम एच वन साइट सेपरेटिंग द टीलोमियर सीक्वेंसेस। ठीक है, सो ये बस इन्होंने यहां पर बेसिक बता रखा, जैसे आप यहां पर कट कराते हो सो यू हैव समथिंग लाइक दिस, और डाइजेशन कराया बैम एच वन से। ठीक है, और उसके बाद जैसे ये आपकी लेफ्ट आर्म है, ये राइट आर्म है, और ये बीच में डीएनए है। ठीक है, और अल्टीमेटली जो यू कैन सी दिस इज योर फॉरेन डीएनए विच इज इंसर्टेड। ठीक है, तो एक तो आप एस एम ए वन से डाइजेशन कराते हो और एक बैम एच वन से। ठीक है ना, बैम एच वन से नाउ दिस पर्टिकुलर फ्रेगमेंट इज रिमूव्ड। ठीक है, एंड बेसिकली DNA inserted in SMA1 site, और उसके बाद insert होने के बाद you have this left arm and right arm, ठीक है? So ये दोनों हमारे क्या होते हैं selectable markers, ठीक है? So SMA1 से कट कराते हैं और BAMH1 से, ठीक है? So
यहाँ पर जैसे ही बता रखा आपका कि द मेन एडवांटेज ऑफ ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम बेस्ड वेक्टर्स हाउएवर इज द एबिलिटी टू क्लोन वेरी लार्ज फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए. ठीक है, सो दिस इज द मोटिव वी हैव कि अगर बड़ा फ्रेगमेंट है डीएनए का, ठीक है, दस द स्टेबल मेंटेनेंस एंड रेप्लिकेशन ऑफ फॉरन डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑफ अप टू 2000 किलो बेस, ठीक है, हैव बीन कैरिड आउट इन वाईएसी वेक्टर्स एंड दे आर द मेन वेक्टर ऑफ चॉइस इन द वेरियस जीनोम मैपिंग एंड सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट. ठीक है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अगर अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें, ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग की बात करें, सो वी विल गो फॉर वाईएसी वेक्टर. सो यू कैन सी कि आपने अगर हमने कॉस्मिड की भी बात करी तो उसका भी था 50 KB. ठीक है, और अगर हम यहाँ पर बात करें 2000 KB, सो दिस इज बेसिकली 40 टाइम्स ग्रेटर. ठीक है, कि ये जो फ्रेगमेंट्स को एकोमोडेट कर सकता है दैट इज 40 टाइम्स ग्रेटर देन दैट ऑफ योर कॉस्मिड. ठीक है ना, कॉस्मिड का ही मतलब इससे पहले जो हमने पढ़ा कॉस्मिड, फिर ऑब्वियसली बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है आपका, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोजोम है, इन सब का इंसर्ट साइज क्या होता है आपका, ज्यादा होता है. ठीक है, सो यहाँ पर जैसे कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए हुए हैं कि वैक्टर्स जो हम यूकैरियोट्स के अंदर यूज करते हैं. ठीक है, ये तो बेसिकली आपका जैसे जैसे प्लांट्स के लिए अगर हम जनरली बात करें तो प्लांट्स में हम क्या यूज करते हैं आपका, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. ठीक है, ये हमने अप्लाइड बायो में पढ़ा हुआ है आपका एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. दिस इज ए बैक्टीरिया जो कि आपका आपके जो भी डीएनए ऑफ इंटरेस्ट है उसको बेसिकली इंसर्ट कर देता है प्लांट में. ठीक है, और एनिमल्स के लिए जनरली हम क्या यूज करते हैं आपके, रेट्रोवायरसेस. क्या यूज करते हैं हम आपके, रेट्रोवायरसेस.